गुड मॉर्निंग क्लास पिप। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी टिमचिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, राखी रस्सी, एक लोक कथा थी तिब्बत की, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ी, इसके प्रश्न उत्तर जितने भी अभ्यास प्रश्न थे हमने आपको कराया, ठीक है। आज देखिए इसके अंदर एक कहानी है दुनिया की छत। तो दुनिया की छत किसको कहते हैं? तिब्बत को, ठीक है। तो यहाँ पे आज इसी के बारे में हम बताएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये कहानी है दुनिया की छत। पेज नंबर आपका 11 है, इसको ओपन कर लीजिए और ध्यान से इसको सुनिए। तो यहाँ पे देखिए, दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। अगर हम किसी लोक कथा लिख रहे हैं कहीं के बारे में, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वहाँ का जलवायु कैसा है, रहन सहन, खान पान, संस्कृति को समझना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार, जिस इलाके में वह लोककथा सुनाई जाती है। तो राग की रस्सी शीर्षक लोककथा तिब्बत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। जो क्या है? राग की रस्सी लोककथा है, वो उसे क्या कहा जाता है? तिब्बत की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा, मैदान से क्या होता है? ऊंचा, और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक है ना। तो इस तरीके अलग अलग कलर के क्या है, यहाँ पे रंगों के पहाड़ हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। अभी आपने कभी कुछ सीनरी बनाई होगी, कुछ प्रकृति चित्रण बनाया होगा, तो उसमें आपने पहाड़ों पे कभी आप कुछ कलर, कभी कुछ कलर, इसी तरीके से जो तिब्बत में जो ये पहाड़ हैं अलग अलग रंगों के होते हैं। तो इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते, बल तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली तो कहीं काली है। तो तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी? 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। जो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है उनसे पानी बनता है, उन्हीं से 1500 झीलें बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का भी बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही है। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। तिब्बत लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, ये लकड़ी से क्या हैं? बने हुए घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की देर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचने के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, जो क्या है? ल्हासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है ल्हासा। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत ही प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो ये कहानी थी दुनिया की छत की, तिब्बत के बारे में हमने जो राग की रस्सी पढ़ी थी उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपने भी इस कहानी को क्या करना है, पढ़ना है बच्चों, ठीक है, दुनिया की छत। और इसमें देखिए साथ में आपने क्या करनी है, राग की रस्सी जो पाठ है इसको भी आपने पढ़ना है, और दुनिया की छत, ये दोनों जो पाठ हैं आपके इनको आपने पढ़ना है।